मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में शासन स्तर पर चलाई जा रही अवैध उत्खनन को रोकने के लिए मुहिम। SDM, SDOP, रेंजर, माइनिंग विभाग की संयुक्त कार्यवाही, रेत पत्थर से भरे हुए वाहन एवं पनडुब्बी को किया जब्त। लगभग 8 लाख रुपए की राजस्व की वसूली। अवैध उत्खनन कारोबारियों में मचा हड़कंप। फास्ट समाचार संवाददाता सचिन राजभट्ट ने की SDM JP गुप्ता से चर्चा। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। आज हम बैठे हैं पिछोर SDM JP गुप्ता जी के पास और लगातार अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। किस तरह से ये कार्रवाई की गई, आइए जानते हैं SDM महोदय से। सर नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है। सर, किस तरह से ये कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया, जहाँ राजस्व की भी वसूली की गई, क्या कुछ कहेंगे? लगातार खबरें मिल रही थी कि अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, पत्थर का भी उत्खनन हो रहा है। इस संबंध में हमने संयुक्त दल के द्वारा, पुलिस, राजस्व, वन एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें हमने कुछ अवैध परिवहन होते हुए पत्थर को पाया, इसी प्रकार से कुछ जगह रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन पाया गया। इसमें संयुक्त दल के द्वारा पिछले 10 दिन में लगभग 10 वाहनों पर कार्रवाई की गई। अवैध उत्खनन करते हुए कुछ पनडुब्बियाँ भी पाई गई थी, डीजल इंजन पाया गया, उनको जब्त करके रख पाया गया है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है हमारी। सर, लगातार इस तरह की कार्रवाइयों से जो रेत माफिया हैं या अवैध खनन करने वाले हैं, उनमें काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, तो आगे भी शायद वो इस तरह की गतिविधियों को आगे अंजाम देंगे, उस पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी? बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और माफिया में हड़कंप रहना भी चाहिए। प्रशासन की एक धमक रहना चाहिए, जो अवैध काम करने वाले हैं उनमें डर होना चाहिए। इस तरह से मुख्यमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है कि इस तरह से अवैध उत्खनन जो चल रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, तो उसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ? बिल्कुल, इसी क्रम में कार्रवाइयाँ हैं। पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं, नदियों को छलनी कर दिया है लोगों ने, तालाबों तक में से रेत निकाल रहे हैं, इन पर हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जिस तरह से पिछोर SDM JP गुप्ता जी ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं है, लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी और आगे भी आपको बहुत सी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। मैं सचिन राजभट्ट, फास्ट समाचार, पिछोर, शिवपुरी।